नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फॉक्सवैगन वर्टोस हाईलाइन वेरिएंट। इसमें आपके सामने फ्रंट से देख रहे हैं फॉक्सवैगन का न्यू लोगो एंड साथ में है एलईडी हेडलाइट इसका विद डीआरएल के साथ में, टर्न इंडिकेटर के साथ में दिया हुआ है। ये वाइट एलईडी लाइट है, इसमें काफ़ी खूबसूरत लग रही है जैसे कि आप देख रहे हैं। सामने से बात करें तो फ्रंट ग्रिल इसकी जो कि अपर लिप इसकी क्रोम इंसर्टेड दी हुई है। बम्पर पे देखें तो फ्रंट पे क्रोम विंग्स दिया हुआ है फॉग लाइट और कार्न लाइट के साथ में, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बोनट की डिज़ाइन अगर मैं देखूं तो इसमें आपको दो क्रीज लाइन मस्कुलर लुक के साथ मिल रही है जो कि काफ़ी डिसेंट है। इसमें आपको 1.0 लीटर का इंजन मिलता है जो कि 115 पीएस की पावर और 178 एनएम को टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों ही मिल जाता है, ऑटोमेटिक मैनुअल इसमें आपको स्टॉक कन्वर्टर के साथ में आता है। साइड प्रोफाइल से आप देख रहे हैं डुअल आर्म पे डुअल ग्रीस लाइन दी हुई है जो कि काफ़ी लुक है। 16 इंच अलॉय व्हील्स, टर्न इंडिकेटर ओआरएम पे एंड डोर हैंडल पे क्रोम इंसर्ट किया हुआ है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में। यहाँ पे इंटीरियर देखेंगे तो डुअल टोन इंटीरियर दिया हुआ है। डैशबोर्ड एंड डोर्स पे इसकी सीट फैब्रिक है जो कि बेज कलर में दी हुई है, आमरेस बेज कलर का दिया हुआ है। ये इसका कोल्ड ग्लोव बॉक्स है जिसे आप ऑफ एंड ऑन भी कर सकते हैं। साथ में मैनुअल एसी, 10.1 इंच का इनफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस दिया हुआ है ये वायरलेस चार्जर। साथ में यहाँ पर पोजिशन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये आप आर्मरेस्ट का सामान रखने का थोड़ा सा जगह, क्रोम डोर्स पे भी दिया हुआ है, हैंडल पे थोड़ा सा। ये इसका रियर का प्रोफाइल आप देख रहे हैं, रियर एसी वेंट, 3 हेडरेस्ट, विद सीट बेल्ट मिलता है। तो देख रहे हैं सामने आप 3.0 ELR सीट बेल्ट भी दी हुई है। ये सी पिलर इसका काफ़ी छोटा सी पिलर है जिससे कि आपको विजिबिलिटी आगे से देखने में दिक्कत नहीं होती है। और ये इसका बूट स्पेस 521 लीटर का जो कि काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें आप आसानी से अपना सारा सामान रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। काफ़ी बड़ा इसका ओपनिंग भी दिया हुआ है। इसकी रियर सीट 60-40 स्प्लिट आती है। साइड से देखें तो मैंने इसको इसकी सीट को फोल्ड कर दिया है, आप इसको अंदर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ड्राइवर पीछे की सीट पर बैठ के इसको आप आराम से बूट को एक्सेस कर सकते हैं जिससे कि बूट एक्सेस हो जाता है। इसकी टेल लाइट, टर्न इंडिकेटर के साथ में एलईडी दी हुई है, ये भी फॉक्सवैगन का लोगो। इसके नीचे आपको मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा। इसके रियर बम्पर पर क्रोम विंग्स आता है। ये है इसका रियर एसी वेंट, आर्मरेस्ट पीछे की सीट पर दिया हुआ है जो कि 3 ELR सीट बेल्ट के साथ में दिया जाता है। सामने से देखें तो डैशबोर्ड काफ़ी अर्गोनॉमिक डिज़ाइन में दिया हुआ है, काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है। ड्राइवर साइड से सी टाइप पोर्टिंग चार्जिंग के लिए, रियर एसी वेंट जिसकी कंट्रोलिंग आगे से ही दी हुई है। इस कैबिन में आपको पीछे की तरफ 4 स्पीकर मिलते हैं, डोर्स पे लेफ्ट डोर पे इक्विटर स्पीकर, बॉटल होल्डर, फैब्रिक ऑन आर्मरेस्ट, राइट डोर पे स्पीकर, बॉटल होल्डर, पावर विंडो स्विचेस एंड ट्विटर। एंड ये डोर हैंडल काफ़ी सिल्वर कलर का दिया हुआ है, चारों डोर हैंडल्स में सिल्वर कलर के आते हैं। इंटीरियर में ग्रैब डोर हैंडल्स, ड्राइवर को ड्राइवर एंड रियर पैसेंजर्स के लिए एलईडी लाइटिंग जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। वाइट कलर की है, काफ़ी डिसेंट सी लुक देती है। इसमें देखें तो इसका डिज़ाइन काफ़ी बेहतर बनाया हुआ है एज़ कम्पेयर टू कंपटीशन व्हीकल्स। सेकेंड रो में भी काफ़ी अच्छी सीटिंग दी हुई है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। लेग रूम अच्छा है, हेड रूम अच्छा दिया हुआ है, शोल्डर रूम अच्छा दिया हुआ है। ये इसका साइड प्रोफाइल से डिज़ाइन है जो कि काफ़ी डिसेंट सी लुक दे रहा है। दिखाया गया वर्टोस का हाईलाइन वेरिएंट आपको कैसा लगा, हमें लाइक
शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक यू।